हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। मेरा नाम शशि प्रकाश सिंह है। मैं यहाँ रीजनिंग, तर्क शक्ति पढ़ाने के लिए आया हूँ। हम कंपटीशन में रीजनिंग बहुत बार बोलते हैं, अलग अलग पेपर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज होते हैं, लेकिन रीजनिंग है क्या? हम सब ये जानते हैं कि रीजनिंग बहुत आसान होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, नंबर नहीं आते हैं। अगर हम कंपटीशन में देखें तो कंपटीशन में क्या 25 क्वेश्चंस, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं? 25 या फिर 35 या 50 या 70। 25 क्वेश्चंस जो होते हैं वो कौन पूछते हैं? जैसे एसएससी, 35 बैंकिंग, 50 भी एसएससी है जो सी ग्रेड और डी ग्रेड के एग्जाम्स होते हैं, 70 स्टेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, स्टेट पुलिस एग्जाम्स हैं। एंड सी सेट की अगर बात करते हैं तो सी सेट में कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो फिक्स नहीं है, कैन बी 12 और 10 टू 12 क्वेश्चंस होते हैं। अब रीजनिंग है क्या? रीजनिंग जो है वो हम लोगों का बहुत बेसिक चीज़ से अगर हम देखें तो क्या है, रीजनिंग है एक सेंसिबल लॉजिकल थिंकिंग, सेंसिबल लॉजिकल थिंकिंग। या फिर अगर हम लोग ये कह दें कि थिंकिंग की जगह एक एक्शन, ये एक्शन कैसा है? ये एक्शन हमारा जो है वो लॉजिकल एक्शन है। मतलब एक तर्क होता है जिसके आधार पे हम लोग अपना कार्य पूरा करते हैं, यही हमारा रीजनिंग है। अब कंपटीशन में इसका यूज क्या है? यूज बहुत सारी चीजें हैं। जैसे डे टू डे का एग्जांपल दें, हमें कहीं पे भी जाना है, हमें एड्रेस नहीं पता, हम फटाफट मोबाइल खोलते हैं, अपना जीपीएस लगाते हैं। जीपीएस जैसे ही अपना डायरेक्शन स्टार्ट करता है तो सबसे पहला आता है कि मूव टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट, किसी भी डायरेक्शन में। अब हमारा एक्शन जो है उस डायरेक्शन पे बेस है, यही हमारी रीजनिंग है। अगर हमें ये नहीं पता कि हमारा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहाँ पड़ता है तो हम बार बार जीपीएस को देखेंगे, हर थोड़ी देर बाद जीपीएस को देखेंगे और ये देखेंगे कि वो डायरेक्शन किस तरफ मुड़ रहा है, या राइट मुड़ रहा है या लेफ्ट मुड़ रहा है या स्ट्रेट जा रहा है। तो उस सब चीज़ों को हटाने के लिए हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस क्या, हम डे टू डे लाइफ में हर जगह रीजनिंग लगती है हमारी, हर जगह। रोड पे चल रहे हैं तो रीजनिंग है, मेट्रो के लिए जा रहे हैं तो रीजनिंग है, परचेजिंग के लिए जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो रीजनिंग है। जब हम कोई आइटम खरीद रहे हैं तो हम बड़ा सेलेक्टिव होते हैं, हम एक अपनी थिंकिंग लगाते हैं, लॉजिकल थिंकिंग लगाते हैं कि क्या ये कपड़ा मेरे पे सूट करेगा, ये सब हमारी रीजनिंग है। अब बात आती है कि कंपटीशन में ये रीजनिंग है क्या? कंपटीशन में रीजनिंग के बहुत सारे अलग अलग एंगल से सिलेक्शन किया गया है, डिफरेंट एंगल्स हैं, डिफरेंट एंगल्स क्या हैं? डिफरेंट एंगल्स को कंपटीशन में टॉपिक्स में डिवाइड किया। टॉपिक्स क्या हैं हमारे? चैप्टर्स। हम लोग के अगर हम रीजनिंग के एक एक चैप्टर को लिखेंगे तो हमारे लगभग 40-45 चैप्टर्स हैं पूरे रीजनिंग में, जो कंपटीशन में डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन में डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स से पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चैप्टर्स हैं क्या, कंटेंट हमारा, जिसको हम लोग बहुत आसान से कहते हैं कंटेंट, क्योंकि रीजनिंग जो कंपटीशन में आता है अगर हमें कंटेंट पता है तो हम बहुत आसानी से अपने सिलेबस को इजीली कवर कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। जैसे मैं आज आपको जो कंटेंट बता रहा हूँ वो कंटेंट आज तक किसी ने नहीं बताया बहुत आसान तरीके से। एक बार इसको देखेंगे और जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ मज़ा आज आया है। तो सबसे पहले कंटेंट का मैं डिवीज़न करता हूँ, डिवीज़न क्यों करा है ये चीजें बताता हूं मैं। कंटेंट में सबसे पहला जो मेरा आता है वो है एनालॉगी। एनालॉगी क्या है? एनालॉगी को हम लोग हिंदी में कहते हैं सादृश्यता, बहुत बड़ा वर्ड हो गया सादृश्यता। अगर इसी को छोटे वर्ड में कहें तो सिमिलैरिटी, समानता हमें देखनी होती है। जो भी हमें डेटा दिया है उसमें बस हमें सिमिलैरिटी ढूंढनी होती है। सेकेंड जो चैप्टर मेरा आता है वो है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, बहुत बड़ा वर्ड है, छोटे वर्ड में बोले तो ऑड वन आउट। मतलब क्या कि दिए हुए समूह में से कोई एक ऐसा चीज जो उस समूह को फॉलो नहीं करता, हमें उस चीज को निकालना होता है।
तीसरा जो चैप्टर है वो है कोडिंग डिकोडिंग कूट भाषा। कोडिंग डिकोडिंग बहुत बढ़िया चैप्टर है, इसलिए ये बढ़िया चैप्टर है कि इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस पूछते हैं और बहुत अच्छे लेवल तक जाते हैं। हम आज के टाइम पे कोई भी मूवी देखते हैं, एक्शन मूवी, जिसमें हमारे एजेंट्स आते हैं, रॉ आते हैं, तो उसमें एक छोटा सा पार्ट कोडिंग डिकोडिंग का दिखाते हैं कि कैसे कोई बंदा है जो डिकोड कर रहा है, कैसे राज खोल रहा है। ये पूरा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है, डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ है इसका। कोडिंग डिकोडिंग के बाद आता है हमारे अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट्स में कैसे हैं, जैसे रैंकिंग, सिटिंग। रैंकिंग को हम लोग कहते हैं क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था मतलब किसी क्रम में कुछ लोग व्यवस्थित हैं, तो क्रम व्यवस्था में कहते हैं। सिटिंग, अब बात आती है सिटिंग, दो टाइप के हम लोग लिखते हैं, एक SITING और एक SEATING। ये दोनों वर्ड सिटिंग बोला जाता है, लेकिन दोनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। दोनों का मतलब होता है व्यवस्थित करना, बैठाना। सिटिंग का मतलब होता है, SITING का मतलब होता है कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं, बस बैठा गया, बैठा दिया गया। जैसे हम स्कूल में एक खेलते थे अप सिट, बट उठो और बैठो। SEATING का मतलब होता है कि रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से, कि जैसे हम एक बात बोलते हैं कि प्रिया जो कि दूसरे दाई पर बैठी है राजेश के, मतलब क्या कि ये मुझे पता चल गया कि मेरा जो दूसरा दाया है, दूसरा दाया का मतलब दूसरा जो राइट है मेरा, वहाँ पे प्रिया बैठी है। तो एक रूल्स रेगुलेशन के साथ जो हम व्यवस्था बैठाते हैं उसको हम SEATING कहते हैं, और अदरवाइज सिटिंग जिसपे हम लोग बैठा सिंपल सा कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस क्या, दूरी एवं दिशा। दूरी और एवं दिशा बहुत बढ़िया चैप्टर है, हमें पूरे दिशाओं के बारे में पता चलता है। डे टू डे लाइफ में जो हमें मूवमेंट करनी होती है वो हमें पता चलता है। हमें ये पता चलता है इससे कि हमारी दिशाएं कहाँ कहाँ पर हैं। हम बैठे बैठे ये अब बता सकेंगे, जब यही सारे चैप्टर्स को जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपका पूर्व कहाँ पड़ेगा, पश्चिम कहाँ पड़ेगा। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन, रिलेशन बताना होता है। बहुत से बच्चे रहते हैं, बोलते हैं कि सर हमें पता नहीं चलता कि हमारा संबंध कैसे कैसे बैठा जा रहा है, हमसे ये चैप्टर होता नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर यही कंटेंट जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ वही चीज़ आप फॉलो करते जाएँ, रक्त संबंध की अगर मैं बात करूँ, ब्लड रिलेशन की, तो बहुत आसानी से सॉल्व होता है। एक से दो क्वेश्चन हर पेपर में आता है, एक एक क्वेश्चन हर कोई गलत करता है, लेकिन आज के बाद वो क्वेश्चन भी गलत नहीं होंगे। इसके बाद जो हमारा कंटेंट आता है वो है वेन डायग्राम। डायग्राम के बेसिस पे हम लोग कुछ चीज़ों को दिखाते हैं, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के बाद जो आता है वो है सिलोगिज्म। सिलोगिज्म में हमें, सिलोगिज्म हमारा पूरा रीजनिंग का एक बेस है। बेस कैसे, क्योंकि सिलोगिज्म क्या है, एक ये लॉजिकल फैक्ट है, लॉजिकल फैक्ट्स। फैक्ट्स अपने आप में एक लॉजिक्स के बेसिस पे होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि लॉजिक को हम बस स्टेटमेंट पे लिख देते हैं। सिलोगिज्म को स्टेटमेंट के बेस पे लॉजिकल टर्म्स को हम लोग लिख देते हैं सिलोगिज्म में। सिलोगिज्म को कई जगह बोला जाता है कि लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ लॉजिक्स वाली बातें होती हैं। सिलोगिज्म के बाद ही इसके करीबन चार चैप्टर और हैं, वो चार चैप्टर मैं आगे बताऊंगा। अभी मैं थोड़ा सा अपना जो मैंने डिवीज़न किया था वो अब बताता हूँ कि डिवीज़न मैंने क्यों किया। इसके बाद जो चीज़ें आती हैं वो हैं डाइस, इमेजेस। डाइस को हम लोग पासा बोलते हैं, इमेजेस वाटर इमेज, मिरर इमेज। अभी तक हर जगह वाटर इमेज, मिरर इमेज ही पढ़ाया जाता है, लेकिन अब क्वेश्चंस जो हैं वो क्लॉक इमेज पे भी आने लगे हैं, तो आगे से हमें इमेजेस के क्लॉक इमेजेस भी देखने हैं। काउंटिंग फिगर्स,
काउंटिंग फिगर्स क्या, कि हमें कुछ भी डायग्राम दिया है उसमें बोल दिया जाएगा कि रेक्टेंगल कितने हैं, स्क्वायर्स कितने हैं, ट्रायंगल कितने हैं, क्वाड्रिलेटरल कितने हैं, तो वो सब चीज़ें हमें निकालनी होती है। इसके बाद हमारे बहुत बेसिक बेसिक से चैप्टर्स आते हैं, जैसे हिडन पिक्चर्स, हिडन पिक्चर्स, कुछ तस्वीरें, कुछ लाइन, कुछ कर्व्स दिए हुए पिक्चर में छुपी रहती हैं, हमें वो ढूंढना होता है। कटिंग एंड फोल्डिंग ऑफ पेपर्स, पेपर में कटिंग कर दिया गया तो ये बताइए कि इसके नेक्स्ट डायग्राम कैसा फॉलो होगा, या पेपर को फोल्ड कर दिया गया, ये पूछा गया कि नेक्स्ट जो डायग्राम इसमें बनना है फोल्ड करने के बाद वो कैसा बनेगा। इसके बाद हमारा आता है हमारा इसके बाद आएगा सीरीज़। अब मैंने बोला सीरीज़, ये सीरीज़ जो होती है दोनों टाइप की आती है। दोनों टाइप का मतलब क्या कि इमेज बेस्ड भी आती है। अच्छा, मैंने बोला कि दोनों टाइप की आती है, इसमें मैंने एक बताया इमेज बेस्ड। अब एक सीरीज़ हमारी आती है जिसमें एनालॉगी के सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। एनालॉगी की सारी चीज़ें यूज़ होती हैं का मतलब अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, वर्ड्स, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। इसके बाद हम लोगों का बहुत कॉमन चैप्टर है डिक्शनरी। डिक्शनरी हमें पता है कि हम कैसे वर्ड्स को देखें, हमें चार पांच वर्ड्स दिए हैं, कौन सा वर्ड पहले आएगा, वर्ड्स अरेंजमेंट, वर्ड्स अरेंजमेंट कह लीजिए या फिर लेटर अरेंजमेंट कह लीजिए, कि हमें क्वेश्चन दिया जाता है ए डैश डैश बी सी डी फिर डैश डैश करके, इस टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं वो हमारे लेटर्स एंड वर्ड्स अरेंजमेंट में आते हैं। बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं लेकिन बच्चों से होते नहीं है, क्योंकि जस्ट एक बहुत ही बारीकियत से हमें देखना होता है रीजनिंग में। अब कुछ चीज़ें मैं जो अलग लिखता हूँ वो है, जो मैंने बोला था कि सिलॉक्स के चार चैप्टर और आते हैं। सिलॉक्स के चार चैप्टर कैसे आते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन, assertion reason, उसके बाद हमारा argument, statement and argument, decision making, ये जो हमारा content है overall basic content हम लोग का ये है। हम अब कोई भी exam दें तो ये जो section है analogy, classification, coding, decoding, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, डिस्टेंस डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, सिलॉगिज्म सीरीज, ये जो हमारा कंटेंट है हर एक एग्जाम के लिए, फॉर एवरी एग्जाम। अब कुछ चीज़ें जैसे हमारा डिवीजन हो जाता है, डिवीजन क्या होता है, जैसे बैंकिंग की बात करें तो इनपुट आउटपुट, इनइक्वलिटी, पजल, ये जो तीन चैप्टर हैं बहुत अच्छे तरीके से बैंकिंग में या जो पैसे रिलेटेड एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें आते हैं, इंश्योरेंस में, आरबीआई में, नबार्ड में, ये सब क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल पे आते हैं। अब पूरा ये मेरा कंटेंट है, मैंने बताया कि एनालॉगी से लेके सीरीज तक जो हमारे चैप्टर्स हैं ये चैप्टर्स हर एग्ज़ाम में आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इनके ज़्यादा होते हैं। सेकेंड कॉलम में जो मैंने बताया डाइस, इमेजेस, काउंटिंग फिगर्स, ये सारे भी आते हैं लेकिन कोई फिक्स्ड नहीं होता कि इसमें से एक क्वेश्चन आए या नहीं आए। जरूरी नहीं है कि डाइस का क्वेश्चन डाले, अगर डाइस का क्वेश्चन डालता है तो वो क्यूब्स एंड क्यूबॉइड का क्वेश्चन नहीं डालता। इमेजेस में तीन पार्ट हैं, वाटर इमेज, मिरर इमेज एंड क्लॉक इमेज। वाटर इमेज पूछ लेता है तो मिरर इमेज नहीं पूछता। काउंटिंग फिगर में से एक क्वेश्चन आ जाए, हिडन पिक्चर में से एक क्वेश्चन आ जाए, कटिंग एंड फोल्डिंग पेपर में से एक क्वेश्चन आ जाए, सीरीज इमेजेस में से एक क्वेश्चन आ जाए, डिक्शनरी का एक क्वेश्चन आ जाए, लेटर एंड वर्ड अरेंजमेंट एक क्वेश्चन आ जाए, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सी सेट की अगर हम बात करें स्टेटमेंट कंक्लूजन बहुत अच्छे तरीके से आता है, और स्टेटमेंट कंक्लूजन, एसर्शन रीजन, आर्गुमेंट, डिसीजन मेकिंग, 10 से 12 जो क्वेश्चन आते हैं सी सेट में उसमें से 6-7 क्वेश्चन तो यही चार चैप्टर कंसिस्ट करते हैं। इन्हीं चार चैप्टर में से
क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, बाकी एग्जाम में से एक दो क्वेश्चन आए उससे ज़्यादा नहीं आता। इनपुट आउटपुट बैंकिंग में 5 क्वेश्चंस, इनइक्वालिटी 5 क्वेश्चंस, पजल आराम से 15 से 20 क्वेश्चंस, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस बैंकिंग में पजल के बहुत ज़्यादा हैं। ये मेरा ओवरऑल जो है वो कंटेंट है, कि कंटेंट क्या पता चला मुझे इससे, कंटेंट से ये पता चला कि मेरे को करना क्या है, करना क्या है, अब आगे क्या है कि इन्हीं चीज़ों को मैं करूँगा कैसे। अब करूँगा कैसे के लिए रेगुलर क्लास चाहिए। रेगुलर अगर आप स्टडी खजाना पे आते हैं और उसको फॉलो करें तो आपको जिस चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो चीज़ पाने से कोई रोक नहीं सकता। आज जो मैं क्लास थोड़ा सा ब्रीफिंग देता हूँ वो एनालॉगी का देता हूँ। एनालॉगी का इसलिए देता हूँ क्योंकि एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, अगर मैं एसएससी की बात करूँ तो इसमें से करीबन 7 से 8 क्वेश्चन यही 3 चैप्टर आ जाते हैं। इन्हीं 3 चैप्टर में से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। पता चल रहा है कि कितना इम्पॉर्टेंट है। और सारे जो ये 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं बहुत आसान होते हैं। अगर आपको पता है, चीज़ें पहले से पता है क्या करना है, कैसे करना है, तो आपका विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आप सॉल्व कर सकते हैं एक एक क्वेश्चन को। अगर 7 से 8 क्वेश्चन है आप कुल मिला के 1-1.5 मिनट में आप ख़त्म कर देंगे। अगर आप 1-1.5 मिनट में ख़त्म कर रहे हैं तो बहुत ही जल्दी आपका रीजनिंग का जो सेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे मैं एनालॉगी का बताता हूँ कि एनालॉगी है क्या। देखिए, एनालॉगी को हम लोग कहते हैं हिंदी में सादृश्यता। बहुत बड़ा वर्ड है। अब इसी चीज़ को हम लोग एक बहुत इजी तरीके से लाते हैं, इसी तरीके से अगर हम लाएं तो इसको हम लोग कहते हैं सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का मतलब समानता। हमें कुछ नहीं करना होता, हमें बस दिए हुए क्वेश्चन में से सिमिलर चीज़ें ढूंढनी होती हैं और अपना आंसर निकालना होता है। अब इसी एनालॉगी में को हम लोग अगर देखें तो इस एनालॉगी को हम कैसे पता करेंगे ये क्वेश्चन एनालॉगी का है। एनालॉगी के जो क्वेश्चन हैं वो रेशियो और प्रपोर्शन पे रहते हैं। इसको हम लोग रेशियो कहते हैं, अनुपात, और इसको कहते हैं प्रपोर्शन, समानुपात। अब एक बेसिक सा चीज, रेशियो और प्रपोर्शन तो हमने बहुत बार पढ़ा है। प्रपोर्शन को हम लोग बच्चे सोचते हैं कि ये रेशियो का ही एक पार्ट है, रेशियो का पार्ट है, लेकिन प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? प्रपोर्शन का मतलब होता है इक्वल्स टू, बराबर। अब जैसे इस एनालॉगी में 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, 3 टाइप्स क्वेश्चन फॉर्म्ड। 3 टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे, सबसे पहला जो बनता है वो होता है लेटर, अल्फाबेट्स पे, लेटर बोले तो वर्णमाला, हम लोग जो कहते हैं वर्णमाला के बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं। कितने हमारे वर्णमाला होते हैं? हमारी 26 वर्णमाला होती हैं, लेटर्स होती हैं। इन्हीं लेटर्स को डिवीज़न हो जाता है 2 पार्ट में, वोवेल और कॉन्सोनेंट्स में। वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन। वोवेल्स कितने होते हैं हमारे? 5, और कॉन्सोनेंट 21। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बनता है वो नंबर पे, नंबर एनालॉगी। नंबर एनालॉगी, अब नंबर हम लोग जानते हैं 1, 2, 3, 4, बहुत सारी नंबर होते हैं, इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं। क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं, सीरीज़ के क्वेश्चन नंबर के बेसिस पे आते हैं, हिलते नहीं हैं कि कैसे क्या करें। रेगुलर क्लास करेंगे नंबर के एक भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं। आपको पता चल जाएगा कि अगर नंबर का क्वेश्चन आता है तो मुझको पहले क्या देखना है, कैसे सॉल्व करूँगा मैं। तीसरा जो आता है वो है वर्ड एनालॉगी। वर्ड एनालॉगी शब्द, शब्द सादृश्यता। ये वर्ड एनालॉगी अपने आप में एक मिनी जीके हैं। मिनी जीके का मतलब कि छोटी 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 चीज़ें आती हैं, जैसे कैपिटल करेंसी आ गया। अब जैसे कि अगर मैं येन बोलूं, येन किसकी करेंसी है? जापान की। अब मैं रुपीज़ बोलूं, रुपीज़ किसकी है? इंडिया की। अब इसी टाइप की जैसे चीज़ें कैपिटल्स हो गई, करेंसी हो गई, यूनिट्स हो गई, वर्किंग प्लेस ऑफ पर्सन हो गया, टूल्स हो गया। जैसे टूल्स की अगर मैं बात करूं तो बड़ा कॉमन सा एक है निडल,
निडल अगर बच्चों से पूछा जाए निडल किसके लिए यूज़ होता है और सीज़र किसके लिए यूज़ होता है, तो दोनों के लिए क्या बोलेंगे बच्चे कि सर टेलर के लिए, लेकिन नहीं, निडल जो होता है वो टेलर के लिए है, सीज़र जो है वो बार्बर के लिए है। और ये वर्ड एनालॉगी में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, हर एग्ज़ाम में आया है। तो वर्ड एनालॉगी अपने आप में एक मिनी जीके है। मिनी जीके का मतलब कैपिटल, करेंसी, वर्किंग प्लेस, यूनिट्स, मेजरमेंट, स्टडीज़, इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब जैसे है कि मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि लेटर एंड अल्फ़ाबेट्स के जैसे क्वेश्चंस क्या होते हैं। लेटर एनालॉगी, हमने पहले बताया कि 26 लेटर्स होते हैं, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 5 और 21, 5 वोवेल होते हैं हमारे और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वोवेल कौन 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 से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी इन सब को हटा के जो बचा वो रिमेनिंग हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब जरा एक चीज़ आज मैं बताता हूँ जो बच्चों को बहुत ही तंग करती है। बच्चे करते क्या हैं कि एग्जामिनेशन से पहले गए अपने सेंटर पे, रफ शीट लिया और उस पे बैठ के ABCD लिख रहे हैं। बच्चों का कहना होता है कि सर हम इसको क्यों याद करें, हम जब लिख सकते हैं। अरे ठीक है, लिख सकते हैं, वो बात सही है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में टाइम जब तक नहीं स्टार्ट हुआ है आप उस शीट पे कुछ लिख नहीं सकते। ये हर एग्ज़ाम का एक रूल होता है कि आपको शीट प्रोवाइड गई इसलिए नहीं कि आप लिखना शुरू कर दें, इसलिए कि आप अपने पास रखें, आगे का टाइम सेव हो। आज हम देखते हैं कि ये शब्द होते क्या हैं, ये लेटर्स होते क्या हैं, कैसे इसको यूज़ हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग अपने लेटर्स लिखते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, 26 लेटर्स हैं। अब मैंने इसको हाफ हाफ में डिवाइड किया, मतलब क्या 13 ऊपर लिखा 13 नीचे लिखा। ऐसा क्यों लिखा, रीज़न बताता हूँ। उससे पहले मैं ज़रा नंबरिंग कर दूँ हर एक लेटर पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 and 26। अब मैंने देखा कि 1 to 13 तो ऊपर आ गए, 14 to 26 नीचे आ गए। अब इस चीज़ को अगर मैं थोड़ा और ध्यान से देखूं तो हर एक लेटर मेरे को दिख रहा है कि एक एक लेटर के अपोजिट है। क्या इसका यूज़ पड़ेगा हमें? बहुत यूज़ पड़ेगा, बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं ये बताता हूँ कि आपको करना क्या है, कि सबसे पहले अपोजिट लेटर्स को कैसे याद करें। किसी भी चीज़ को याद करने का एक तरीका होता है, वो ये तरीका होता है कि आप उस चीज़ को अपने डे टू डे लाइफ में ढाल लें। अगर आपने वो सब चीज़ें अपने डे टू डे लाइफ में ढाल लें तो उस चीज़ के लिए आपको मेहनत नहीं करना होगा और आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। जैसे आज मैं बताता हूँ कि अगर हर एक लेटर का अपोजिट आपको याद करना है तो कैसे कर सकते हैं। ए जेड का अपोजिट है, या मैं कह दूं जेड जो है वो ए का अपोजिट है, तो मैंने किसी नेम से याद कर लिया, मैंने लिखा आमिर, जाहिर, या फिर मैंने बोल दिया आज़ाद कि भाई ए तो जेड का अपोजिट है, कैसे, आमिर जाहिर। अब बी जो है वो वाई का अपोजिट, या मैं कह लूं वाई जो है बी का अपोजिट। अब बहुत हम लोग यूज़ करते हैं एक वर्ड बाय, बी वाई ई, बाय। तो बी इससे मुझे ये पता चल गया कि बी जो है वाई का अपोजिट, सी का अपोजिट एक्स है। कैसे करें, अगर क्रिसमस को शॉर्टकट में लिखना होता है तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, तो क्रिसमस से मुझे पता चल गया कि सी जो है एक्स का अपोजिट है। डी डब्ल्यू का अपोजिट, अगर डे टू डे लाइफ का देखें तो बहुत बारीक वाला एक एग्जांपल, डोर, विंडो। दिवाली के समय हर कोई साफ करता है, खिड़की दरवाजा साफ करो, डोर विंडो। ई का अपोजिट वी, एम्प्टी, वैक्यूम, या आप सिंपल सा बोल दें इवेंट। एफ का अपोजिट यू, फेयर, अनफेयर। जी का अपोजिट टी,
आप लोग बोल दो जीटीबी नगर, या बहुत बढ़िया चीज गिव टेक। एच का अपोजिट एस, हमने टेंथ क्लास सबने करा, लेकिन हम लोग टेंथ क्लास को कहते क्या है, हाई स्कूल। अब यही चीज देखिए, हाई स्कूल, एच का अपोजिट एस। आई का अपोजिट आर होता है, कैसे याद रहेगा, इंडियन रेलवे, भारतीय रेलगाड़ी। जे का अपोजिट क्यू होता है, सिंपल सा, जैक क्वीन। के का अपोजिट पी होता है, कीप, प्रैक्टिस। एल का अपोजिट ओ होता है, लाइट, ऑफ। एम का अपोजिट एन होता है, मॉर्निंग, नाइट। अब जो चीजें मैंने आपको लिखाई हैं अभी, ये इन चीजों को एक बार बड़े ध्यान से, बड़े आराम से इन सब चीजों को पढ़ेंगे तो अपने आप पता चलेगा कि मेरे को तो ये सारे वर्ड मैं रोज यूज करता हूं कहीं ना कहीं, और बड़ी आसानियत से लर्न हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं। ए का अपोजिट जेड, आमिर जाहिर। बी का अपोजिट वाई, बाय। सी का अपोजिट एक्स, क्रिसमस। डी का अपोजिट डब्ल्यू, डोर विंडो। ई का अपोजिट वी, एम्प्टी वैक्यूम। एफ का अपोजिट यू, फेयर अनफेयर। जी का अपोजिट टी, गिव टेक। एच का अपोजिट एस, हाई स्कूल। आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे। जे का अपोजिट क्यू, जैक क्वीन। के का अपोजिट पी, कीप प्रैक्टिस। एल का अपोजिट ओ, लाइट ऑफ। एन का अपोजिट एन, मॉर्निंग और नाइट। इससे मेरे को सबसे पहला चीज मैंने क्या किया कि मैंने ऑपोजिट लेटर्स याद किए, सबसे पहला टास्क, ऑपोजिट लेटर्स हमने कर लिए। अपोजिट लेटर, कौन सा लेटर किसके अपोजिट है। अब सिंपल सा अगर मैं पूछूं कि आई का अपोजिट क्या है, अभी मैंने लिखा इंडियन रेलवे, तो आई का अपोजिट आर। अब मैं बोलूं कि एस का अपोजिट क्या है, एस, हाई स्कूल। एच का अपोजिट एस है, तो एस का अपोजिट एच हो जाएगा। तो इस तरीके से अपोजिट लेटर्स तो मेरे हो गए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा ये है कि नंबरिंग, कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है। जिंदगी में मजा तभी है अगर हमें कोई कार्य करना है और हम उसमें अपना 50% दें और वो काम जो है बहुत आसानी से हो जाए, तो बहुत मज़ा आता है। अब जैसे कि हमने देखा है कि हमारे पास 26 लेटर हैं, हमें हर एक लेटर कौन से नंबर पे आता है वो याद करना है, तो ये तो बहुत बड़ा काम है भाई, 26 लेटर याद करना। तो इसके लिए क्या करें, मैं आपको सिंपल सा कहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ ऊपर के 13 याद कीजिए, बाकी के 13 आपको अपने आप याद हो जाएगा। अब मैंने बोला ऊपर के ही 13, ऊपर के 13 इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग के जो 4-5 लेटर्स होते हैं, मतलब ए बी सी डी ई, वो नॉर्मली सबको याद रहते हैं। बी कितने पे, 2 पे आता है, सी 3 पे आता है, डी 4 पे आता है, ई 5 पे आता है। तो अगर 13 में से 4-5 लेटर मुझे याद ही हैं तो मेरे कितने बचते हैं, मेरे 8 बचते हैं, 8 लेटर्स मुझे याद करने हैं। मतलब क्या कि 26 में से सिर्फ और सिर्फ मुझे कितने लर्न करने, 8 याद कर रहे हैं, और बाकी के सारे लेटर आपको याद हो जाएंगे। इससे मज़ेदार चीज़ और क्या है, अब देखते हैं कि ये लोग ये कैसे, हम लोग कैसे याद करेंगे। देखिए अब जैसे कि एक मार्केट में एक वर्ड चलता है इजॉयटी, इस इजॉयटी का बनाया गया है एंजॉय वर्ड से। इजॉयटी जो वर्ड है वो 5-5 लेटर्स के गैप पर है, ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, वाई 25 पे, इजॉयटी। मैंने आपसे बोला कि स्टार्टिंग के 13 लर्न करने हैं, मतलब क्या कि नीचे के तो आप ओ टी वाई काट दीजिए, ई 5 पे, जे 10 पे। नेक्स्ट चीज, बड़ी
अलग अलग लेटर्स उठाऊंगा मैं और ऐसे ऐसे चीज़ें बताऊंगा ना जो आप हर रोज़ देखते हैं। जैसे अभी हमारा आईपीएल चल रहा है, हम लोग जानते हैं प्रीटी जिंटा की एक टीम है किंग्स इलेवन पंजाब, के जो आ गया वो 11 पे, कैसे किंग्स 11 पंजाब, के हमारा 11 पे आ गया। अब एक चीज देखते हैं, हम लोग बोलते हैं यार सीएफएल ले आओ, सीएफएल सी हमारा 3 पे, एफ 6 पे, एल 12 पे। मतलब क्या कि सीएफएल में हमने करा क्या कि सी में 2 का गुना कर दिया तो एफ आ गया, एफ में 2 का गुना कर दिया तो एल आ गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2। सी हमारा 3 पे, एफ जो है हमारा 6 पे, एल जो है वो हमारा 12 पे। सीएफएल एफ को याद करने का एक चीज और तरीका है, हम लोग एफ को कहते हैं फिक्स, एक वर्ड है हमारा एफ से फिक्स। इसी चीज से हम लोग देखें तो 6 को भी हम लोग कुछ ऐसे ही लिखते हैं, फिक्स 6, मतलब एफ जो है वो हमारा 6 पर है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, अगर हमें किसी को एड्रेस बताना होता है तो हम लोग कैसे बताते हैं, हम लोग बताते हैं कि यार गली नंबर 7 है। अब गली नंबर 7 है तो हाउस नंबर उसमें कहाँ है भाई, हाउस नंबर कौन सा है, हाउस नंबर मेरा 8 है, तो जी जो है वो मेरा 7 पे हो गया, एच जो है वो मेरा 8 पे हो गया, गली नंबर 7, हाउस नंबर 8। जब मैं 26 लेटर्स को हाफ में डिवाइड करता हूं, हाफ डिवाइड करता हूं तो आता है मेरा 13 पे मेरा आता है एम। ये एक कॉमन तरीके से मुझे याद करना पड़ेगा कि जब मैं 26 लेटर्स को हाफ में डिवाइड करता हूं, मतलब 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरा आता है 13 पे होता है मेरा एम। अब एक बार हम जरा कुछ चीज़ें और देखते हैं, कुछ लेटर्स जो बचे हैं हमारे, जैसे आई, आई को हम लोग रोमन में कुछ ऐसे ही लिखते हैं, मतलब 9। लिखने के तरीके पे ही हमारा सब कुछ डिपेंड है कि आई को हम लोग रोमन तरीके में ऐसे ही लिखते हैं, मतलब कि 9। अब हम जरा देखते हैं ये शीट को, इस शीट में हमने ये देखा कि ए जो है वो हमारा 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, ई 5 पे। इजॉयटी से हमारा बना है वर्ड ई और जे, ई मेरा 5 पे, जे मेरा 10 पे। अब एफ, एफ बोले तो फिक्स और 6, एफ 6 पे। एड्रेस बताता हूँ, गली नंबर 7, हाउस नंबर 8। रोमन लेटर में आई को लिखते हैं 9 के टर्म पे, किंग्स 11 पंजाब के, एल हमारा सीएफएल से 2 का मल्टीप्लिकेशन करा सी 3 पे, एफ हमारा 6 पे और उसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करा तो एल, एम हमारा जब 26 लेटर्स को हाफ में डिवाइड करते हैं तो एम आता है हमारा 13 पे। अब दूसरा जो टास्क हमने करा, वो टास्क हमने क्या करा, दूसरा टास्क हमने ये करा कि जो लेटर्स हैं उनकी नंबरिंग याद करी हमने। अपोजिट लेटर हमने आज याद करा एनालॉगी में और लेटर्स की नंबरिंग याद करी। अब जब हम ये जब चीज़ें देख लेते हैं, एक बार हमें याद हो जाता है, इस चीज़ों को 2-3 बार आपको याद करना पड़ेगा। याद करना पड़ा का मतलब ये नहीं है कि रटना पड़ेगा, आपको बस ये है कि ये चीज़ें एक बार पढ़नी ही पड़ेंगी ध्यान से। जब आप पढ़ लोगे तो आपको बहुत आसानी से 26 लेटर की जगह 8 ही लेटर आपको याद करने के लिए बोला गया और आपने 8 लेटर को देखा कि कैसे कैसे याद किया है। अब एक लास्ट जो हमारा टास्क बचता है, लास्ट टास्क ये बचता है, जैसा मैंने अभी तक आपसे बोला कि 26 लेटर्स में से सिर्फ 8 लेटर्स लर्न करने हैं, बाकी सारे लेटर्स अपने आप याद होंगे। अब इसी चीज़ को देखिए कि जो हमारे अपोजिट लेटर्स हैं उन सब का सम जो बनेगा वो 27 बनेगा। ए मेरा 1 पे है, ए का अपोजिट जेड है आमिर ज़ाहिर, तो 26 पे जेड आता है तो सम बना 27। बी वाई बाय, बी का अपोजिट वाई, बी 2 पे है, वाई 25 पे, अपोजिट लेटर का सम 27। सारे लेटर्स अगर मैं उठा लूँ, एम 13 पे, एन 14 पे, मॉर्निंग और नाइट, सम 27। मतलब क्या, अब देखिए क्वेश्चन में एक डालता हूँ, जैसे मैंने बोला क्यू, क्यू का नंबर क्या है, मुझे नहीं पता, चलो क्यू का नंबर क्या है। अब देखिए मैं इस चीज़ को कैसे निकाल सकता हूँ, क्यू का अपोजिट होता है जे, कैसे, जैक क्वीन, जे मेरा आता है 10 पे,
इजॉयटी से। अब मैं क्यू का पोजीशन निकालना है तो 27 में से 10 घटा दूं, मेरा 17। कभी भी आपको ये चीज़ जो है अल्फाबेट्स लेटर पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही क्वेश्चन आएगा तुरंत आप देखेंगे क्वेश्चन को, सॉल्यूशन करेंगे। थोड़े से और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने बोला आर, मुझे नहीं पता कि चलो आर का नंबर क्या है, तो मैं कैसे कर सकते हैं, आर का अपोजिट होता है आई, कैसे, इंडियन रेलवे, आई को हम लोग रोमन में लिखते हैं 9 के टर्म पे, तो आर में से 27 माइनस 9 तो ये हो गया हमारा 18। अब मैं बोलूं ओ, ओ का हमारा होता है लाइट ऑफ, एल आता है हमारे 12 पे, तो ओ कितने पे, 27 माइनस 12 तो ये आ गया हमारा 25। इस तरीके से हमें सारे लेटर्स जो होते हैं, सारे लेटर्स की नंबरिंग जो है हम तुरंत के तुरंत निकाल सकते हैं। आज हमने तीन टास्क करें एनालॉगी में, तीन टास्क किया। सबसे पहले हमने अपोजिट लेटर्स याद करें, सेकेंड लेटर की नंबरिंग याद करी, थर्ड जो हमने करा है वो लेटर की नंबरिंग के बाद हमने ये करा कि सारे लेटर्स का प्लेसमेंट क्या है, लेटर्स प्लेसमेंट क्या, जो अल्फाबेट्स है उसमें हमने प्लेसमेंट क्या क्या करा। अब आपको आज करना क्या है कि जो आपको ये तीन चीज़ें एनालॉगी में बताई हैं, इन तीन चीज़ों को आज आपको रिवाइज करना है और रिवाइज जब एक बार आप कर लेंगे इस चीज़ों को बस सोचना है। जब आप सोचेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत आसान है जो आज तक मैंने कभी करा नहीं है और पेपर में क्वेश्चन में बहुत टाइम दिया है, आज के बाद इन सब के एनालॉगी के क्वेश्चन में कभी टाइम नहीं लगेगा। आज की क्लास हम यहीं पे करते हैं एंड थैंक यू। जैसा भी आपको क्लास लगा आप अपना रिव्यू दीजिएगा एंड स्टडी खजाना को फॉलो करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।